जात पात से ना जोड़ो, जात पात से ना जोड़ो, बस यूं दर्द है दर्द को स्वीकार करो। माना वो बच्चियां आपके घर की नहीं, पर अपने घर का मत इंतजार करो। कितनी पीड़ा को सहा उन्होंने, कितनी बेरहमी से उनको मार दिया, कितनी बेरहमी से उनको मार दिया, दरिंदगी से किस कदर निर्भया ट्विंकल आसिफा जैसी बच्चियों को मार दिया। कुछ तो शर्म करो बेशर्मो, तुमने इंसानियत को शर्मसार किया। हाँ पता है वो तुम सब दरिंदों से अनजान थी, हाँ पता है वो तुम सब दरिंदों से अनजान थी, देवी रूप बच्चियों को तुमने मार दिया, जिले राज्यों को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार किया। वो अपने परिवार की शान थी बेटी, वो अपने परिवार की शान थी बेटी, थी वो बेटी जिस पर परिवार का प्यार बेशुमार था, वो थी वो बेटी जिस पर परिवार का प्यार बेशुमार था। पापा की परी तो माँ की उम्मीदी थी, भाई की जिंदगी तो बहन की ताकत थी। मार दिया तुमने जिस कदर बच्चियों को, मार दिया जिस कदर तुमने बच्चियों को, उससे भी ज्यादा तड़पा तड़पा कर तुम दरिंदों को मार देना चाहिए, उससे भी ज्यादा तड़पा तड़पा के तुम दरिंदों को मार देना चाहिए। पर नहीं, कानून का राज भी तो कायम रहना चाहिए, पर नहीं कानून का राज भी तो कायम रहना चाहिए। हाँ, न्याय के लिए न्यायालयों की शरण में जाना मजबूरी है, न्याय के लिए न्यायालय की शरण में जाना मजबूरी है, पर समय से न्याय मिलेगा ये थोड़ी ना जरूरी है, पर समय से न्याय मिलेगा ये थोड़ी ना जरूरी है। तारीख पे तारीख जिस कदर मिलती है केसों में, हाँ समझ है केसों का बोझ किस कदर न्यायालयों पर भरा पड़ा है, हाँ किस कदर केसों का बोझ न्यायालय पे भरा पड़ा है। कभी ध्यान देना चाहिए न्यायालयों की चौखट पर, पीड़ित किस कदर न्याय पाने के लिए खड़ा है। अब बस बहुत हो गया तारीख पर तारीख, अब न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी चाहिए, अब न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी चाहिए। संसद की सुनवाई की तरह कोर्ट में भी पारदर्शिता होनी चाहिए, जिसकी सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग चलनी चाहिए। अब न्याय होता सबको दिखना चाहिए, मतलब कि जब लाइव दिखेगा पता चलेगा सुनवाई क्या हो रही, अपराधी ने क्या कहा, विक्टिम ने क्या कहा, पता ही नहीं होता। जो मीडिया ने बता दिया, जो अखबारों में पढ़ लिया हमने, उसको उस पर ही विश्वास करना पड़ता है, हमारी मजबूरी होती है। क्योंकि जबकि विदेशों में है, कई जगह पे है कि कोई सुनवाई होती है कोर्ट में तो उसका लाइव चलता है, आप चाहे तो टीवी पे भी देख सकते हैं, चाहे तो न्यायालय के बाहर देख सकते हैं। मोमबत्ती जलाना सोशल मीडिया पे लिखने के साथ साथ उनको भी लिखो जिनको आपने बोर दिया, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां उनकी भी बनती है और जिम्मेदार हमने उनको चुना है। एक लास्ट लाइन बस, और फिर मैं अपने स्थान पे। माना वो बच्चियां आपके घर की नहीं, पर अपने घर का इंतजार ना करो। भैया बैठे हैं हरियाणा से, जो थे भैया ने कहा था कि पिता और माँ के लिए, तो कहते हैं ना कि पिता वह है जिसके साथ फल भले ही ना मिले। जैसे होता है ना कि बुजुर्ग हो गए पिता, 70 साल के 80 साल के 60 साल के, काम वाम नहीं कर पाते, घर पे ही रहते हैं, लेकिन वो छाव जरूर देते हैं अगर फल नहीं देते तो। और माँ के लिए है कि माँ वो है, अगर दर्द में तड़प रहता होता हूँ मैं, सच तो यह है कि माँ के मुंह में निवाला नहीं जाता।